जी नमस्कार सर, मैडम मैं सुभाष यादव बोल रहा हूँ। जी सर, एयरटेल नंबर के बारे में क्या जानकारी चाहिए बताइए। जानकारी यही चाहिए, हम जब भी किसी को फोन लगाते हैं कि अमिताभ बच्चन जो है जो मन से बोलते रहते हैं, बताइए जितना बार कॉल लगाते हैं उतना बार बताते हैं हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। वो भी वैसा आदमी बता रहा है जो पूरा परिवार अपने कोरोना संक्रमित था, वो हमको क्या सलाह देता है। अस्पताल के लिए बहुत ही दुखित हूँ। ठीक है, कोरोना वायरस है हम जानते हैं, तो बढ़िया लड़की से बुलवा दे, कोई साधारण आदमी से बुलवा दे, इसको जिसको सुनना नहीं पसंद करते हैं, जो अभी मैंने भांग खाता है, क्या कहते हैं शराब पीता है, जो आदमी गंजेड़ी हो, जो खुद ड्रग्स लेता हो, उसका परिवार का बात हम कर सुनेंगे, किसी दूसरे से कह भाई। और ठीक है एक बार कह दिया भोरे भोरे, एक घंटा में कहे, अगर 10 मिनट के अंदर 10 को कॉल लगाते हैं 10 बार कहता, आप क्या हमको गजनी बुझ ली है क्या, जो एक मिनट में भूल जाएंगे हम। माफी चाहते सर इसके कारण, लेकिन जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो इंस्ट्रक्शन सर, ये जो कोरोना वायरस की जो रिकॉर्डिंग बज रही है आपके नंबर पर, ठीक है, ये हाईलाइट है गवर्नमेंट की तरफ से बज रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से बोल रही है, हम पैसा देते हैं आपको एयरटेल वाले को कि सरकार को पैसा देते हैं, तो जो बढ़िया टून बजाइए, कुछ लड़की का आवाज में बुलवा दीजिए, या कुछ सब आदमी के, जो आदमी खुद ड्रग्स लेता है पूरा परिवार, मैंने सास पुता सब जोड़े होकर के डांस करता है, नाचता है जो मन सो गाना पर, उससे आप हमको कहवाइएगा कि हाथ धोइए, जो आदमी खुद पूरे परिवार कोरोना पीड़ित था वो हमको सलाह देगा, कि कोई आदमी जो उसको कोरोना नहीं हुआ वो सलाह देगा, उसका बात मानेंगे, जो खुद नहीं बच पाए वो हमको क्या सलाह देगा बताइए। तो अभी तक बहुत ही दुखित था, लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है ये गवर्नमेंट के दौरान से चालू है सर, ठीक है, चालू है ठीक है, तो इस तरह से हम डिसाइड नहीं करवाएंगे, तेल का छोड़ देते हैं, तो देखते हैं गवर्नमेंट हमारा अलम कैसे कर देगी। मैंने जो आदमी खुद कोरोना से नहीं बच पाया और दूसरे को ज्ञान बांट रहा है, बारे भाई ये क्या बात हुआ। अरे कुछ सब आदमी बोले होंगे महानायक, वो आप लोगों के लिए होंगे, वो सरकार के लिए, हमारे लिए महानायक नहीं है। जिसकी बीवी अगर हम लोग मैंने बॉलीवुड का विरोध किए, तो उसकी बीवी उसके समर्थन में आकर के और जो मुझसे बोलने लगी वो मैं कन्हैया आकर के, और उसका बात हम उसका तो लाख बात सुनेंगे, हम अपना कन्हैया का बात नहीं सुनते हैं और उसका बात सुनेंगे। मैंने अपना बाप का बात आदमी नहीं मानता, जब वो काय बोलेगा दूसरा हमारा बलम लगा दीजिए, हमको नहीं रखना है जी सर, हमारा बलम को दूसरा हाईले टून लगा दीजिए, हमको इसको नहीं सुनना है। और नहीं तो एक आध बार दिन में हो गया, एक आध घंटा में हो गया, जितना बार कॉल करते हैं उतना बार हमको गजनी बुझ ली है क्या, जो हर बार भूल जाएंगे कि हाथ धो के खाइए और आदमी से सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए। बिहार, हम बिहार से हैं ठीक है, अब बिहार में अभी चुनावी प्रचार हो रहा है, एक फील्ड में 20,000 50,000 1,00,000 आदमी आ रहा है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रहा, अब फोनवा पर खाली दिन भर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हाथ धोइए तो नहाइए, उतना बताना क्या जरिए दिन भर। समझ सर आपकी परेशान, लेकिन ये गवर्नमेंट सोल्यूशन भी आप ही निकालिएगा ना, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट तो बेवकूफ है, तो वोट दे करके हम लोग बेवकूफ बने हैं। बताइए उतना बड़ा बड़ा भीड़ लग रहा है बिहार में चुनाव में, वो सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहा, हम फोन लगाएंगे वो भी पैसा देते हैं तब, मैंने रिचार्ज नहीं करवाएंगे तब 2 दिन के बाद हमारा आउटगोइंग क्या इनकमिंग भी बंद कर देता है, आउटगोइंग तो खैर उसी दिन बंद हो जाता है। जब हम अपना पैसा लगा के बात करते हैं तो हमको क्या इसका आवाज सुनाते हैं, हमको इरिटेशन होता है। सर चाहते हैं फिलहाल के लिए क्या सर, हम चाहते हैं हमको इसका आवाज छोड़ के किसी का कुत्ता भौं भौं करे, बिल्ली माऊ माऊ करे, भैंस घोड़ा गधा कुछ भी सुनेंगे, सुअर का भी सुनेंगे, लेकिन इसका नहीं सुनेंगे। लाइन पर बने रहिए सर, अधिक जानकारी के लिए आपके कॉल को 45 सेकंड के लिए होल्ड पर रख सकते हो सर। जी बिल्कुल रख सकते हैं, होल्ड पर रखने के लिए धन्यवाद।